हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एंटीनेटल विजिट्स की, यानी प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज हम उस पर बात करते हैं। बहुत सारी महिलाओं का हमारे पास ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें कितनी बार आना है, अब कब आना है। जब भी वो दिखाने के लिए आती है कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो सबसे पहले कब दिखाने आना है, आइए इस पर बात करते हैं। पर शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स, यानी सबसे कम कितनी विजिट्स होनी चाहिए एक डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और जब आपको पता चला है कि आप कंसीव कर चुकी हैं, आपकी टेस्ट किट में आपने टेस्ट किया, आपके प्रेगनेंसी में जो मेंसेस हैं वो ओवरड्यू हो गए हैं, यानी आपको दिन चढ़ गए हैं, तो आप तुरंत एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास तभी की तभी जाएं। गायनोकोलॉजिस्ट आपके कुछ टेस्ट करवाएंगी और उससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। पर आजकल जो है आप लोग घर बैठे भी टेस्ट कर सकते हैं आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। वो एक प्रेगनेंसी किट आती है जिसे हम यूपीटी किट कहते हैं, उससे आप घर बैठे भी पता कर सकते हैं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप तुरंत एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। और जैसे ही आप एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएंगी, वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो वो कुछ टेस्ट कराएंगे और उससे पता चलेगा कि आपकी प्रेग्नेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई खतरे की बात तो नहीं है। बहुत सारी खतरे की बात होती है, जैसे किसी को पीपी बढ़ा हुआ होता है, किसी को शुगर आ जाती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्लीडिंग आ जाती है, और भी बहुत सारी तकलीफें कुछ कुछ महिलाओं को हो जाती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई खतरे की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, तो उस केस में आपको हर महीने डॉक्टर को दिखाना है 28 हफ्ते तक, यानी 6 से 7 महीने तक की प्रेगनेंसी में हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनको दिखाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसमें डॉक्टर आपको अलग टाइम देंगे, अलग बताएंगे कि हर हफ्ते आना है या अगले ही दिन आना है या क्या है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर अलग से सलाह देंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपको हर महीने 6वें से 7वें महीने तक, यानी 28 वीक्स तक, हर 4 हफ्ते पे, यानी हर महीने आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 28 हफ्ते से 36 हफ्ते है, यानी 7 से 8 महीने, 8 महीने पूरे होने तक आप हर 15 दिन पे डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो, यानी हर 2 हफ्ते पे आपको डॉक्टर को दिखाना है 7वें महीने से 8वें महीने के आखिर तक। और जैसे ही आपके 9वें महीने की शुरुआत हो, यानी 36 हफ्ते से आगे से 10 डिलीवरी तक, हर हफ्ते आपको मैडम को जाके दिखाना है, डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगर आपको दर्द आ रहे हैं, आपका पानी छूट गया है, आपको ब्लीडिंग आ रही है, आपका बच्चा कम घूम रहा है, ये सब ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको तुरंत एक गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। 6 महीने के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी ऐसी हो रही है तो आप एक गायनोकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें और तुरंत जाएं। ये सब मैंने बताया नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप 6वें महीने तक आप डॉक्टर के पास हर महीने जाएं, 7वें से 8वें महीने के आखिर तक आप जो है हर 15 दिन पे जाएं, और 9वें महीने के शुरुआत से आप हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। बीच में अगर आपको कोई भी परेशानी हो जाती है, जैसे दर्द आने लगे, ब्लीडिंग छूटने लगे, घबराहट हो, सर में दर्द हो, या कोई और परेशानी है, जैसे बुखार है, बच्चा कम घूम रहा है, लीकिंग हो गई है, पानी छूट गया है, पेशाब में जलन है, या कोई भी ऐसी परेशानी है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। ये नहीं कि मैंने आपको समझाया कि इन इन टाइम जाना है तो आप उसी टाइम जाएं, चाहे आपको बीच में कोई परेशानी आ गई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया, अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप इन इन टाइम पे जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स की, यानी कम से कम एक महिला को कितनी बार एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है अपनी प्रेगनेंसी नॉर्मल कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हमारा इंडिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डॉक्टर को रेगुलरली, जितनी बार मैंने शुरुआती भाग ऑफ प्रेगनेंसी में बताया, उतनी बार डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं, किसी भी वजह से। बहुत सारी वजह होती है, या तो डॉक्टर नहीं है, या अस्पताल नहीं है, या उनके पास सुविधा नहीं है वहां जाने की, या घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या वो अपने काम में उलझी हुई है, या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो टेस्ट में कर पाए। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे सरकारी अस्पताल
अस्पताल बनाए गए हैं जिससे कम से कम पैसों में आप एक डॉक्टर को नॉर्मली आप दिखा सके, फ्री सुविधाएं उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में, तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि सरकारी अस्पताल में जाके उसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए ये तो रही सरकार की बात, अभी हम बात करते हैं कि मिनिमम आपको कितनी बार एक प्रेग्नेंट फीमेल को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है और आप डॉक्टर को उसी वक्त नहीं दिखा पा रही हैं, तो पहली बार आप कम से कम चौथे महीने के आखिर में और पांचवें महीने के आसपास आप जरूर डॉक्टर के पास एक बार जाएं, यानी 16वें हफ्ते के आसपास आप जरूर जाएं, यानी दूसरे भाग ऑफ प्रेग्नेंसी में आप जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि कुछ डॉक्टर जो होते हैं ऐसे टेस्ट करवाते हैं, बच्चे के अंदर देखते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई बनावटी कमी तो नहीं है, टेस्ट कराए जाते हैं कि मां के अंदर कुछ ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं है, ब्लड प्रेशर लिया जाता है और भी बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिससे पता चलता है कि मां के अंदर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना सेफ है या नहीं, खतरे से खाली तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे, खतरा हो मां के लिए। तो वो सब चीजें शुरुआती भाग ऑफ प्रेगनेंसी में देखना जरूरी होता है। तो आप जो है डॉक्टर के पास चौथे महीने से आखिर पांचवें महीने के बीच जरूर एक बार आप दिखाएं। दूसरी विजिट आपको लेनी है 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच, यानी छठे से सातवें महीने के बीच एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है। दूसरी बार आपको, जब पहली बार आपने दिखा लिया, दूसरी बार आपको 24 से 28 हफ्ते तक जरूर दिखाना है, यानी छठे से सातवें महीने के बीच दिखाना है। उसमें डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट कराते हैं, शुगर का लेवल देखते हैं कि आपकी शुगर तो नहीं बढ़ गई है, मीठे की कोई शिकायत तो नहीं हो गई, और भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वजन सही चल रहा है, बीपी सही चल रहा है, बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है, यानी ये सब टेस्ट जो है उस दौरान होते हैं और पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है या नहीं चल रही। तीसरी विजिट होती है 32 हफ्ते तक, यानी जब आपका आठवां महीना शुरू होने वाला होता है, तीसरी विजिट आप तब कराते हैं बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए और कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं है। और चौथी विजिट आपको करानी होती है 9वें महीने की शुरुआत में, यानी 36 हफ्ते के बीच आपको जो है एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग मिनिमम 4 विजिट आपको करनी होती है, एक विजिट सबसे पहली विजिट चौथे से पांचवें महीने के बीच में, दूसरे विजिट छठे से सातवें महीने के बीच में, तीसरी विजिट आठवें महीने पे और चौथी विजिट 9वें महीने पे। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी सही गिराएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो मिनिमम 4 बार तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं और कोशिश करें कि जैसा मैंने शुरुआती बात में बताया है कि 28वें हफ्ते तक हर महीने, उसके बाद 36वें हफ्ते तक हर 2 हफ्ते पे, और उसके बाद हर हफ्ते कोशिश करें कि आप वैसे दिखाएं, और सब कुछ नॉर्मल चले तो आप उसी तरीके से दिखाएं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कम से कम 4 बार तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। तो मैं समझती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कितनी बार एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है और क्यों क्यों जाना जरूरी है, क्या क्या होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। Thank you so much. Bye-bye. Take care.